जैन साथियों, देखते हैं रीडिंग का प्रश्न दिया हमें। नौ का जो संबंध 90 के साथ में, 12 का भी प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम देखते हैं 9 से 90, अगर इस 9 में हम 10 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 90 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक से हम लॉजिक यहाँ पर लगा देते हैं। 12 में भी हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 120 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या लॉजिक लगा वो देखते हैं। क्या हुआ, 9 जो है 9 से जस्ट आगे वाला नंबर होता है 10, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 90 हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक से हम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। 12 और 12 से जस्ट आगे नंबर आता है 13, और 12 और 13 को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 156। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 156 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।